2016 में हम लोग की शादी हुई थी। उसके बाद हमने 3 साल बाद हमने बेबी प्लान करने का सोचा था। इसके बाद काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने, जब कंसीव नहीं हुआ तो उसके बाद हमने सोचा कि शिवानी हॉस्पिटल में चल के डॉक्टर राशि मैम और नीलम मैम के पास जाके हमने अपना ट्रीटमेंट कराया। वहाँ पे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने कहा कि IUI आप लोग कराइए, IUI से आपको रिजल्ट मिलेगा। देन उन्होंने IUI जब किया तो फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट हमको मिला, तो उससे हम लोगों की एक बेटी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने 3 साल का गैप दिया। 3 साल के गैप के बाद में हमारा फर्स्ट टाइम जब कंसीव किया, नेचुरल कंसीव किया, बट कुछ कारणों से वो 15 दिन के अंदर मिसकैरेज हो गया। देन इसके बाद हम लोगों ने 3 से 6 महीने तक वेट किया हमने। देन उसके बाद फिर नेचुरल कंसीव हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम शिवानी ही हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ हमारा फर्स्ट बेबी प्लान किया था हमने। तो सेकेंड बेबी के लिए भी हमें शिवानी हॉस्पिटल डॉक्टर राशि मैम और नीलम मैम के पास में आए, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद से ऐसा रहा कि ट्रीटमेंट के दौरान पे इनको सेकेंड जो बेबी रहा उसमें ट्रीटमेंट के दौरान पे इनको ब्लीडिंग भी हुई, बट राशि मैम के यहाँ 3 से 4 दिन एडमिट होने के बाद उन्होंने ब्लीडिंग कंट्रोल कर ली, बहुत अच्छा रहा। तो इसके बाद हम लोग घर भी चले गए, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा हुआ घर जाने के बाद में कि इनको लीकिंग की भी प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद होने लगी। फिर हम लोग दोबारा से राशि मैम के पास में आए, तो उन्होंने कहा कि अब लीकिंग की जो प्रॉब्लम है वो हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि लीकिंग रोक सकें। 2 ही दिन हुए थे कि लीकिंग पूरी तरीके से रुक गई, थोड़ा बूंद बूंद आ रहा था। वो मैम ने कहा कि अब इसी लीकिंग के सहारे और हम लोग वॉच करते रहेंगे कि बेबी तक कहीं इन्फेक्शन तो नहीं जा रहा है, लीकिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, लीकिंग फिल होती रहती है कि नहीं हो रही है। और इस दौरान इन्होंने 3 महीने यहाँ पे हम हॉस्पिटल में एडमिट रहे इनके यहाँ पे, और इस 3 महीने के दौरान में हमने लीकिंग मतलब लीकिंग होती रही और ट्रीटमेंट चलता रहा, लीकिंग फिल भी होती रही, ट्रीटमेंट चलता रहा। मैडम ने बहुत अच्छे से वॉच किया हर एक चीज़, टेस्टिंग से हर अल्टरनेट डेज में CRP टेस्टिंग और ब्लड टेस्टिंग और पेशेंट्स की टेस्टिंग, सारी ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती रही, बराबर होती रही। अगले दिन फिर अल्ट्रासाउंड भी हुए, हर हफ्ते वीक वीकली वीकली अल्ट्रासाउंड भी होता है, बेबी के मूवमेंट्स वगैरह, बेबी का ग्रोथ, सारी चीज़ों पे डॉक्टर राशि मैम ने बहुत अच्छे से वॉच किया। और हम लोगों को फिर बोला गया कि किसी तरीके से और लंबे समय तक खींच लें तो बहुत अच्छा रहेगा, बट कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हुए कि इनका 32 वीक्स में ही लीकिंग थोड़ा सा ज़्यादा होने लगी। तो डॉक्टर राशि मैम ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा थोड़ा सा ब्रीच पोजीशन पे है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो उन्होंने ऑपरेशन किया, और उसके बाद में हम लोगों को जो बेबी हुआ 1 किलो 680 ग्राम का बेबी वेट था। तो मैम ने कहा कि कुछ दिनों तक इनको NICU में रखना पड़ेगा। तो उन लोगों ने, फिर मैम ने NICU के लिए हम लोग को सजेस्ट किया। NICU के बाद में हम लोग 10 दिन वहाँ पे बेबी हमारा एडमिट रहा। आज बेबी हमारे पास में है, बेबी बॉय हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर राशि मैम ने सारी चीज़ों को वॉच करते हुए, सब पेशेंट और बच्चा दोनों को ख्याल में रखते हुए बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग डॉक्टर राशि मैम के पास में जरूर आए, जो जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, जिनको बेबी नहीं प्लान कर आ पा रहा है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, बच्चे को नहीं हो पा रहा है उनको, तो जरूर आए और एक बार यहाँ पे ट्रीटमेंट करा के फायदा जरूर उठाए। यहाँ का IVF सेंटर बहुत अच्छा है, IVF में भी इनकी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने देखा है कई लोगों को, पेशेंट्स, मैंने इस 3 महीने में यहाँ इतने पेशेंट्स आए, पेशेंट्स गए, मैंने खुद IVF के पेशेंट्स भी कई देखे हैं जो कहीं पे और भी ट्रीटमेंट कराते रहे, बट डिलीवरी यहाँ पे भी, और IVF का यहाँ पे इन्होंने कंसीव करा और डिलीवरी भी यहीं पे हुई उनकी। तो प्लीज़, मेरा रिकमेंडेशन है कि शिवानी हॉस्पिटल आएँ और एक बार राशि मैम और नीलम मैम को जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।